दुबई के राजा ने अपने शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी रखा, क्या भारत की वजह से यह फैसला लिया गया है? दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते देखे जाते हैं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों, दुबई के शासक और यूएई के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई के एक शहर का नाम बदल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अल मिनहन जिले का नया नाम हिंद शहर रखा गया है। यूएई की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अल मिनहन का शहर का नाम बदलने के लिए सरकारी आदेश जारी भी कर दिया गया है और ये जिला हिंद सिटी के नाम से पुकारा जाएगा। आप जैसे तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कैसा होगा ये दुबई का हिंद सिटी। सरकारी आदेश के अनुसार जारी होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने शहर के चार अलग अलग जोनों का नाम हिंद 1, हिंद 2, हिंद 3, हिंद 4 कर दिया गया है। चार जोन वाला यह शहर 83.9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे ही यह खबर भारत पहुंची, कुछ लोगों ने ऑनलाइन दावा किया कि भारतीयों के योगदान को स्वीकारने के लिए दुबई जिले का नाम बदल दिया गया है। हालांकि नाम बदलने के लिए कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है और कई दावों के मुताबिक जिले का नाम बदलने के पीछे कोई वास्तविक कारण नहीं है, लेकिन असली कारण अभी तक भी नहीं पता चल पाया है। हिंद के नाम शहर का नाम ये भारत के हिसाब से रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंद का अर्थ अरबी भाषा में कुछ और हो सकता है और यहाँ एक पुराना अरबी नाम भी है। आपको बताएं दोस्तों, दरअसल मोहम्मद शेख की पहली पत्नी का नाम भी हिंद है। शेख मोहम्मद ने अपनी पहली पत्नी हिंद बिन मक्तूम अल मक्तूम से 26 अप्रैल 1979 के भव्य समारोह में शादी की थी और इसी दंपत्ति के 12 बच्चे हैं, जिसमें क्राउन प्रिंस और दुबई के क्राउन के लिए अगली कतार में शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम भी शामिल हैं। इसीलिए इस जिले का नाम उनके नाम पर रखे जाने की एक संभावना भी कही जा सकती है। इसके अलावा हिंद अरबी ऊँटों के एक बड़े समूह का उल्लेख कर सकता है। 100 या इससे अधिक ऊँट हिंद कहा जाता है। आपको बता दें, आपकी अपनी बेटियों को अरबी में हिंद का नाम देने का है, मतलब ये दुआ करना होता है कि उसे 100 या उससे ज़्यादा ऊँट मिले। तो ये बात कही जा रही है कि भारत पर भी हो सकता है ये नाम, ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा इन सब की पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये भारत से भी संदर्भित हो सकता है। भारतीय लोगों को भी अरबी में हिंदी कहते हैं। हालांकि जैसा कि उल्लेख किया गया है कि जिले का नाम बदलने के लिए कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लिहाजा फिलहाल नाम बदलने के वास्तविक कारण के लिए कोई दावा नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें, यह कोई पहली बार नहीं है जब यूएई ने किसी महत्वपूर्ण शहर का नाम बदला है। इससे पहले साल 2010 में दुबई का नाम बदलकर बुर्ज खलीफा भी कर दिया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। जी हाँ, नमस्कार।